जब भी कश्मीर के ऑफबीट प्लेसेस की बात आती है तो वरवन वैली को हम कैसे भूल सकते हैं। वरवन वैली का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और काफ़ी लोग जा भी चुके होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को उस रास्ते से ले जाऊंगा जहां से बहुत कम लोग जाते हैं। पहलगाम से नीचे 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक प्यारा सा विलेज बटाकूट, जहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। बटाकूट के खूबसूरत जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजर के हम पहुंच जाते हैं मर्ग। मर्ग एक कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब वैली होता है। तो मर्ग पहुंचकर ही इंसान को ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी और ही दुनिया में आया हूँ। ये मर्ग इतनी खूबसूरत है कि इंसान अपने सारे गम भुलाकर कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों में खो जाता है। ये वैली इतनी बड़ी है कि इंसान की नज़र इसके अंत तक नहीं पहुँच पाती। अपना सफ़र आगे बढ़ाते ही हमें एक खूबसूरत सा झील दिखता है। इस झील को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि इंसान देखते ही अपनी सारी थकावट भूल जाता है। कश्मीर का यह हिस्सा बहुत ही कम और खुशनसीब लोगों ने देखा है। अगर आप में से कोई हाइकिंग का शौक रखता है तो उसे ज़रूर ये ट्रैक करना चाहिए, जो आप 3 या 4 दिन में कम्प्लीट कर पाओगे। बटाकूट से वरवन के बीच का जो सफ़र है वो इतना खूबसूरत है कि आपके यादों में बस जाएगा।